क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया के गब्बर कहे जाने वाले शिखर धवन संन्यास ले चुके हैं और गब्बर ने न सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट बल्कि घरेलू क्रिकेट से भी संन्यास का ऐलान कर दिया। आईपीएल तक नहीं खेलेंगे और खबर है कि आईपीएल में तो रोहित शर्मा उनकी जगह ले सकते हैं। तो वहीं हेड कोच गौतम गंभीर ने भी शिखर धवन को साफ साफ संदेश दिया था कि अब आगे टीम इंडिया में मौका नहीं मिलेगा और इसीलिए तो शिखर धवन ने अचानक संन्यास का ऐलान कर दिया। लेकिन अब ऐसे में गब्बर के बाद 11 और दिग्गज खिलाड़ियों का संन्यास तय हो गया है, क्योंकि यहाँ गंभीर ने साफ संदेश दे दिया और एक से बढ़कर एक बड़े नाम दिग्गज नाम एक साथ रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। पूरे 11 नामों की लिस्ट आपको दिखाते हैं, बताते हैं क्यों होगा इनका संन्यास, वो भी बताएंगे। और आप भी इस वीडियो को शेयर करो, इन नामों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद बहुत कुछ बदल रहा है। कई दिग्गज खिलाड़ी टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अब उनकी वापसी की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। संन्यास लेने वाले पहले नाम बने शिखर धवन और अब 11 नाम इस लिस्ट में और जुड़ने जा रहे हैं जो कि संन्यास ले लेंगे। इस लिस्ट में पहला और बड़ा नाम है उमेश यादव। जी हाँ, दाएं हाथ के उमेश यादव काफी दिनों से टीम इंडिया से बाहर है। हालांकि उमेश यादव भारत के लिए टेस्ट मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन करते रहे, 57 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 75 वनडे मैच भी उन्होंने खेले हैं, लेकिन उमेश यादव को अच्छे प्रदर्शन के बाद भी कभी उस तरह से टीम में जगह नहीं मिली और अब तो फाइनली उनको संन्यास के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दूसरा नाम है भुवनेश्वर कुमार। जी हाँ, भुवी भी लगभग 2 सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर है, जबकि एक वक्त में भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी भारत के लिए कमाल करती थी, लेकिन अब 34 साल के भुवी जो कि बेहतरीन गेंदबाजी अभी भी आईपीएल में कर रहे हैं, तो उनको अब शायद ही मौका मिलेगा, क्योंकि टीम इंडिया में गौतम गंभीर युवा खिलाड़ियों को आगे करने के लिए लगे हुए हैं। इस लिस्ट में तीसरा नाम है रिद्धिमान साहा, जो कि टीम इंडिया के लिए लंबे समय तक विकेट कीपिंग कर चुके हैं और महेंद्र सिंह धोनी के बाद रिद्धिमान साहा ही भारत के फुल टाइम विकेट कीपर थे, लेकिन अब वो 39 साल के हो चुके हैं। लिहाजा यहाँ पर ऋषभ पंत, ईशान किशन, ध्रुव जुरेल जैसे कई खिलाड़ी आ चुके हैं जो कि विकेट कीपिंग करते हैं, तो अब रिद्धिमान साहा के लिए दरवाजे पूरी तरह से बंद हो गए। इसके बाद एक और नाम है जयंत यादव। जी हाँ, जयंत यादव बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते रहे, कई बार उन्हें टेस्ट मैचों में जब भी मौका मिला तो उन्होंने न सिर्फ गेंदबाजी बल्कि बल्लेबाजी में भी जयंत यादव ने अपना कमाल दिखाया, लेकिन अब जयंत यादव को वापसी टीम इंडिया में करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। 34 साल के जयंत ने 2022 में आखिरी मुकाबला भारत के लिए खेला था और अब उनके लिए संन्यास का ही आखिरी मौका बचता है। पांचवें नाम है करुण नायर। जी हाँ, वीरेंद्र सहवाग के बाद भारत के लिए ट्रिपल सेंचुरी टेस्ट मैचों में बनाने वाले करुण नायर एकमात्र बल्लेबाज हैं, लेकिन अब करुण नायर को भी मौका नहीं मिलेगा। 2017 के बाद उन्होंने कोई मुकाबला भारत के लिए नहीं खेला है और यही नहीं, घरेलू क्रिकेट भी वो काफी कम खेल रहे हैं। लिहाजा करुण नायर को भी अब पूरी तरह से न सिर्फ इंटरनेशनल बल्कि घरेलू क्रिकेट से भी संन्यास लेना पड़ेगा, जबकि उनकी उम्र सिर्फ अभी 31 साल ही है। छठे नाम है मनीष पांडे। जी हाँ, एक वक्त में टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की जान कहे जाने वाले मनीष पांडे भी अब टीम इंडिया के लिए कोई जरूरत बचे नहीं है। करुण नायर की तरह उनकी भी कहानी है, लेकिन वो भी सिर्फ 34 साल के हैं। कई मौके मनीष पांडे को मिले लेकिन उस तरह से वो भुना नहीं पाए। 29 वनडे तो वही 39 T20 मैच उन्होंने भारत के लिए खेले लेकिन ऐसा कोई इम्पैक्ट कर नहीं पाए। लिहाजा अब मनीष पांडे के लिए भी सिर्फ और सिर्फ संन्यासी रास्ता बचता है। अगला नाम है ईशांत शर्मा। एक लंबे वक्त तक टीम इंडिया के लिए ईशांत शर्मा ने क्रिकेट खेला है और 105 टेस्ट मैच खेले। जी हाँ, 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वालों की लिस्ट में उनका नाम शामिल है, लेकिन अब ईशांत शर्मा के लिए वापसी संभव नहीं है। 35 साल के हो चुके ईशांत शर्मा हालांकि आईपीएल में पिछले साल शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी अब उनको मौका मिलेगा नहीं। 2021 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने खेला नहीं है। लिहाजा अब ईशांत शर्मा के पास भी सिर्फ और सिर्फ संन्यास का ही रास्ता बचा हुआ है। अगला नाम है अमित मिश्रा। हालांकि अमित मिश्रा लंबे समय से भारत के लिए नहीं खेल रहे हैं, आधिकारिक तौर पर भले ही उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा नहीं की है, लेकिन 2017 के बाद वो भारत के लिए नहीं खेल रहे हैं, तो ऐसे में अब 41 साल के हो चुके अमित मिश्रा हालांकि आईपीएल में तो खेलते हैं, लेकिन अब उनको आईपीएल के साथ साथ घरेलू क्रिकेट में भी साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में भी एक साथ संन्यास का ऐलान करना पड़ सकता है, क्योंकि आईपीएल में भी वो लखनऊ के लिए उनको बहुत ज्यादा मौके मिले नहीं थे। इसके बाद अगला नाम है पीयूष चावला। जी, आईपीएल
IPL में मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले पीयूष चावला बहुत कम उम्र में टीम इंडिया में आ गए थे, लेकिन अभी भी वो 35 साल के हैं। लेकिन 2012 में आखिरी बार भारत के लिए वो खेले थे। लिहाजा वो कम से कम 12 साल उनको भारत के लिए खेले हुए हो चुके हैं। सिर्फ 25 वनडे और 60 T20 मैच उन्होंने खेले, और लेकिन अब उनको शायद IPL में इस बार मेगा ऑक्शन में मौका नहीं मिले, तो वो भी संन्यास ले सकते हैं। दसवां नाम है ऋषि धवन। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के ऋषि धवन को भी अब संन्यास लेना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने भारत के लिए बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन जितनी भी खेली वो बहुत ज्यादा सफल रहे नहीं है, तो उन्हें अब इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ घरेलू क्रिकेट से भी संन्यास लेना पड़ सकता है। और आखिरी नाम, ग्यारहवां नाम है मोहित शर्मा। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके मोहित शर्मा ने जबरदस्त वापसी की थी गुजरात टाइटंस के लिए। उन्होंने IPL में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन वो 35 साल के हो चुके हैं। लिहाजा अब उनको चांस मिलना बेहद मुश्किल है, और भी गंभीर के एरा में। तो ऐसे में मोहित शर्मा अगर IPL में अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी टीम के साथ बचा ले तो यही बड़ी बात होगी, लिहाजा उनको भी अब संन्यास का ऐलान करना पड़ सकता है। तो ये 11 नाम है जिनको अब बहुत जल्द संन्यास का ऐलान करना पड़ सकता है। इन खिलाड़ियों को आगे मौका नहीं मिलेगा, किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा, ये साफ साफ संदेश गौतम गंभीर की तरफ से मिल चुका है। तो आपका इन नामों पर, इन सारे के सारे नामों पर क्या कहना है, क्या इनको अब संन्यास का मौका आ गया है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो करीब पिछले 2 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे शिखर धवन ने फाइनली संन्यास का ऐलान कर दिया है। हालांकि गब्बर ने पहले खूब कोशिश की कि वो टीम इंडिया में वापस आ जाएं, लेकिन आ नहीं पाए। हालांकि IPL में उनकी बल्लेबाजी चलती रही, यहां तक कि उन्हें पंजाब किंग्स का कप्तान तक बना दिया गया, लेकिन अब फाइनली उन्हें मजबूर होकर संन्यास का ऐलान करना पड़ा। और इसकी वजह दोनों ही चीजें बनी है, यानी कि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा भी वजह बने और IPL में उनकी टीम पंजाब किंग्स भी। अब पूरी खबर समझिए। बड़ी खबर आपको बताने की गब्बर का संन्यास क्यों हुआ। असल में एक हफ्ते पहले तक शिखर धवन IPL के अगले सीजन को खेलने की तैयारी कर रहे थे। गब्बर को पूरा पूरा भरोसा था कि पंजाब किंग्स की टीम उन्हें रिटेन करेगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि पंजाब किंग्स ने शिखर धवन को साफ साफ बता दिया कि इस साल वो धवन को रिटेन नहीं करेंगे। यानी कि जो शिखर धवन पंजाब किंग्स के कप्तान थे, उन्हें इस साल के मेगा ऑक्शन से पहले पंजाब की टीम रिलीज कर देगी, क्योंकि पंजाब किंग्स को नया कप्तान, नया ओपनर चाहिए और उसकी तलाश हो रही है, और उसकी तलाश खत्म भी हो रही है। जी हां, शिखर धवन का फॉर्म भी पिछले 2 साल में कुछ अच्छा नहीं रहा था, और उनकी उम्र भी इस दिसंबर में 39 साल हो जाएगी। यानी कि शिखर खुद भी मान चुके हैं कि इस साल के इस अंतर पर अब वो IPL में भले ऑक्शन में चले भी जाएं, लेकिन शायद ही उनको कोई खरीदार मिलेगा, क्योंकि सभी टीमें युवा खिलाड़ियों पर जोर लगा रही है और 39 साल के धवन को शायद ही कोई खरीदे। लिया जा, ये पहली वजह रही कि शिखर धवन को, जो कि एक हफ्ते पहले तक IPL की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने इंटरनेशनल और घरेलू दोनों जगह से संन्यास का ऐलान कर दिया। दूसरी वजह खुद टीम इंडिया के कप्तान शिखर धवन के सबसे करीबी दोस्त रोहित शर्मा बने। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक ये भी बड़ी खबर है कि रोहित शर्मा इस साल मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी का साथ छोड़ देंगे। ये तो कंफर्म हो चुका है, क्योंकि पिछले साल हुई कंट्रोवर्सी के बाद रोहित अब मुंबई के साथ, हार्दिक के साथ खेलना नहीं चाहते हैं। लिहाजा रोहित को अपनी टीम में जोड़ने की रेस में कई IPL टीमें शामिल हो गई हैं। चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल, लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ ही पंजाब किंग्स भी रोहित को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। और बड़ी खबर यह है कि पंजाब किंग्स के साथ रोहित शर्मा की मीटिंग भी हो चुकी है। जी हाँ, पंजाब किंग्स के ओनर के साथ रोहित शर्मा की मीटिंग हो चुकी है। पहले स्ट्रक्चर की बात हो चुकी है, पहले लेवल में बात हो चुकी है, और पंजाब किंग्स ने रोहित को न सिर्फ टीम इंडिया का कप्तान बल्कि कप्तान के साथ साथ मेंटोर बनाने का ऑफर दिया है। रोहित को अपनी पसंद का सपोर्ट स्टाफ चुनने की बात कही है, और अपनी पसंद की टीम मेगा ऑक्शन में चुनने की छूट रोहित शर्मा को दी जाएगी। लिहाजा रोहित की बात पंजाब किंग्स के साथ पहले फेज की बन चुकी है, और फाइनली पूरी बात जल्दी बन सकती है, और रोहित को कप्तानी के साथ साथ मेंटरशिप दी जाएगी पंजाब किंग्स की। तो तय है शिखर धवन के लिए वहां पर कोई जगह नहीं बचेगी। लिहाजा धवन को मजबूर होकर टीम को छोड़ना पड़ा है, और रोहित शर्मा भी अनजाने में ही सही, लेकिन हाँ, धवन की रिटायरमेंट की वजह बन गए। अब कुल मिलाकर एक बड़ा चैप्टर शिखर धवन का यहाँ पर खत्म हो गया। शिखर धवन ने कई मैच भारत को जिताए, वो भी ठीक ठाक फॉर्म में भी थे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि शिखर धवन अब बाकी के अन्य देशों में लीग खेल सकते हैं, क्योंकि वहां खेलने के लिए टीम इंडिया से और भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेने की जरूरत होती है। साथ ही साथ लीजेंड क्रिकेट में भी शिखर धवन का दम दिख सकता है। तो आपका शिखर धवन के संन्यास पर क्या कहना है, रोहित शर्मा की नई IPL टीम पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।